गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो जो है जॉय प्योर नीम फेस वॉश के बारे में है और इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने हिमालया एंड जॉय फेस वॉश का वर्सेस वाला वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्योर नीम फेस वॉश का जो रिव्यू है, सोचा मैं आप लोगों के साथ इसका पर्सनली इसका ही रिव्यू शेयर करूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जॉय नीम प्योर प्योरीफाई फेस वॉश जो है ये कितने का आता है, कितने ग्राम मिलता है, इसके क्या क्या एडवांटेज है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले बात की जाए तो ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है, ट्यूब पैकेजिंग कुछ इस तरीके की होती है और ये बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इसके साथ आराम से ट्रैवल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, मतलब कुछ मिसी होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। और ये 100 ml की जो इसमें 100 ml का जो है ये आता है 99 rupees में, बट अगर आप फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से परचेस करते हो तो आपको जो है 250 rupees में 3 मिलेंगे और काफ़ी आपके जो 50 या 51 rupees है वो सेफ़ हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाके इसको चेकआउट कर ले। सबसे पहले जॉय प्योर नीम स्किन प्योरीफाई फेस वॉश के जो मेन इन्ग्रीडियंट है ऑफकोर्स नीम है, क्योंकि नीम फेस वॉश है। इसके जो बेनिफिट है एक्चुअली वो है क्लीनेस, इम्प्योरिटीज, सूथिंग स्किन एंड इरीटेशन, ईचिंग स्किन एंड ग्लो। तो इसके जो 3 बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले मैं बात करूं तो ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूं, तो ये मुझे सारे फेस वॉश से सबसे ज़्यादा पसंद है एक्चुअली जॉय का। जब आप इससे फेस वॉश करते हो तो ये आपको जो है एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है और ग्लो देने के साथ साथ ये आपकी स्किन को एक ब्राइटनअप और एक ना वाइटनिंग इसमें कन्वर्ट करता है। आपको कितना भी मतलब आप थकान हो, फ्रेशनेस नहीं लग रही हो या फिर आपका जो चेहरे का जो निखार है वो ख़त्म हो चुका है, तो फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूंगी कि ये जो फेस वॉश है इतना इतना जो है इफेक्टिव है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। मुझे पर्सनली ये फेस वॉश बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। इवन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर 90% लोगों से भी पूछा जाए तो इवन उसमें से जो 60% लोग आपको यही कहेंगे कि ये फेस वॉश से बहुत अच्छा ग्लो आता है, ये आपकी स्किन से जो डर्ट, गंदगी है सबको रिमूव करके आपको एक ग्लोइंग स्किन देता है। तो ये मुझे पर्सनली इसका जो है एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट दी हुई है, आप बिल्कुल भी चेक कर सकते हैं। और अमेज़ॉन या फ्लिप मैंथॉल लिखा हुआ है जो कि हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल माना जाता है, तो वो स्किन के लिए जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें या फिर आप जब इसको मंगाएं तो पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो मुझे पर्सनली ये फेस वॉश बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे पर्सनली इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिले। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है 2018-09 एंड एक्सपायरी डेट है 2021-09 एंड ये आपको 3 साल आराम से चल जाएगा और इसके कोई भी ऐसे मुझे डिसएडवांटेज नहीं लगते हैं। काफ़ी अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली, आप इसके साथ अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो। और ये ना अगर मुझसे अगर आप पूछोगे ना तो इस तरीके का जो अगर फेस वॉश होते हैं, नीम फेस वॉश या जो भी फेस वॉशेस होते हैं, कभी कभी हमको सूट नहीं करते तो हमको ऑफकोर्स पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि पैच टेस्ट से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किसी की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है तो उनके लिए वो सूटेबल है या नहीं है। और सबसे अच्छा इसका एडवांटेज ये है कि जैसे ही आप फेस वॉश करोगे आपको एक ग्लोइंग स्किन, रिफ्रेशिंग स्किन देता है और जिसकी वजह से जो है आपको एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग फील होता है। तो मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है और आप इसके 3 pack लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की, तो इस तरीके से ट्यूब पैकेजिंग में ट्रैवल आप इसके साथ आराम से कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया ये कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर में दिखता है, जैसे कि एलोवेरा जेल दिखता है ना, उस तरीके से ग्रीन कलर में दिखता है। और ये आप देखोगे अगर आप एक ही ड्रॉप लोगे इतना फोम करेगा तो बहुत ज़्यादा फोम करता है ये एक्चुअली। तो इस तरीके से इसका ग्रीन कलर है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये इस तरीके से जो है ग्रीन कलर इसका एक्चुअली निकल के आता है और काफ़ी अच्छा है। आपको काफ़ी इसके बेनिफिट्स है एक्चुअली। इसका ऑलरेडी जो है मैं वर्सेस रिव्यू दे चुकी हूँ, नीम फेस जॉय प्योर नीम फेस वॉश एंड हिमालया फेस वॉश, आप जाके देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे मैं उसकी आपको लगा दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बट मुझे पर्सनली सारे फेस वॉशेस में ये फेस वॉश बहुत पसंद है क्योंकि ये काफ़ी रिफ्रेशिंग करता है और हमको क्या चाहिए होता है यार, हमारा फेस ग्लोइंग करे और हमको एक रिफ्रेश फील दे तो हमको और क्या चाहिए होता है।
तो ये पिटीज जो है, और इसका इस तरीके से कुछ लोगो बना है। 100 ml की वाटर बॉटल आपको, 100 ml की जो मेन इंग्रेडिएंट है तो वो आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि नोज एज एन इफेक्टिव नेचुरल इंग्रेडिएंट फॉर क्लींजिंग इम्प्योरिटीज़। तो ये आपको अंदर से क्लीन करता है और गंदगी को बाहर निकाल के फेंकता है और डर्ट एंड गंदगी को पूरी तरह से ख़त्म करता है। तो मेरी ऐसी राय है कि दिन में 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली कैरी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेरा पर्सनल रिव्यू था और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद है। पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।